subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि आप एयरटेल डीटीएच पैक खुद ही कैसे आप अपना पैक बना सकते हैं, कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन सा चैनल देखेंगे कौन सा नहीं देखेंगे। अब हम इसमें आपको लाइव करके दिखाएंगे। आप कौन कभी भी कोई भी चैनल रिमूव कर सकते हैं, कभी भी कोई चैनल ऐड कर सकते हैं इसमें। तो जैसे आपको चैनल को ऐड करना होता है तो आप क्या करते हैं, कस्टमर केयर पे बात करते हैं और बोलते हैं हमको ये चैनल लेना है, तो वो चैनल आपके इसमें ऐड कर देते हैं और बताते हैं कि भाई ये 22 रुपये का है, तो कहते कोई बात नहीं ऐड कर दो। वो जितना रेट बताते हैं आप, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कितने का है कि आप देख नहीं पाते, उन्होंने जितना बताया उतना उन्होंने ऐड कर दिया। तो इसमें क्या होता है, आपका पैक बहुत बड़ा हो जाता है, महंगा हो जाता है। तो हम इसमें आपको सस्ता अपना डीटीएच पैक कैसे सिलेक्ट करें ये हम आपको बताएंगे। किसी भी चैनल को कब कैसे रिमूव करें और कैसे ऐड करें ये हम आपको लाइव करके दिखाएंगे। वैसे यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको इसकी, लेकिन किसी ने उसमें लाइव ऐड करके या उसमें रिमूव करके नहीं बताया होगा, बस बताया होगा कि ऐसे ऐसे करिए, इसमें रिमूव कर दीजिए, ऐड कर लीजिए, लेकिन लाइव किसी ने करके नहीं दिखाया होगा। इसमें हम आपको लाइव ऐड करके और रिमूव करके दिखाएंगे कैसे डीटीएच पैक अपना खुद बना सकते हैं, या कभी भी ऐड करना चाहें कोई चैनल अलग से या हटाना चाहें तो कैसे हटा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एयरटेल थैंक्स ऐप को डाउनलोड कर लेना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने डाउनलोड किया हुआ। उसके बाद में यहाँ पर ऐड अकाउंट पर जाके आपको अकाउंट अपना ऐड करना होगा। यहाँ पर ऐड अकाउंट पर क्लिक करने के बाद में ऊपर यहाँ पर देखा प्रीपेड लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर डीटीएच कर देना है सिलेक्ट। डीटीएच करने के बाद में यहाँ पर आपको डीटीएच का अपना नंबर डाल देना है और फिर रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। आपका जो मोबाइल नंबर इससे अटैच होगा उस पर एक ओटीपी आएगी, ओटीपी डाल के इसमें आप लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है माय डीटीएच अकाउंट पर। यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद में माय अकाउंट पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। माय अकाउंट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे कनेक्शन पे जाना है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको इधर कनेक्शन दिख रहा है और इधर अकाउंट बैलेंस दिख रहा है, तो आपको कनेक्शन पर जाना है। तो लोड हो रहा है, अभी लोडिंग में थोड़ा समय ले रहा है। तो यहाँ लोड होने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आप देख सकते हैं हमारा जो है मंथली पैक है 223.76 रुपये का, ये एक्टिवेट है यहाँ पे देख सकते हैं। और हमारे जो इसमें चैनल हैं वो 290 चैनल करीब हैं। तो हम इसमें अब आपको बताएंगे कैसे इसमें चैनल रिमूव करते हैं और कैसे ऐड करते हैं ये यहाँ पर। तो अभी हम आपको यही बताने जा रहे हैं इसमें स्टेप बाय स्टेप। तो हमारी वीडियो अगर आप जानना चाहते हैं सब तो लास्ट तक देखते रहिए। अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड ब्रॉडकास्टर बकेट, तो यहाँ ऐड ब्रॉडकास्टर बकेट पर आप क्लिक करेंगे जब, तो यहाँ से कोई भी पैक आप ऐड कर सकते हैं अपने चैनल में। देखिए आपको बता दें कि अगर आप अलग अलग चैनल ऐड करते हैं एक एक चैनल तो बहुत महंगे हो जाते हैं। तो इसमें ऐड ब्रॉडकास्टर बकेट पर जाके आपको जैसे स्टार का कोई ऐड करना है, स्टार स्पोर्ट वगैरह जिसमें सब कुछ आते हों, जैसे हमने ऐड किया हुआ है यहाँ पर, आपको बैक करके दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है स्टार हिंदी वैल्यू, ये 57.82 रुपये का है एक महीने का। इसमें कितने चैनल हैं ये हम आपको क्लिक करके दिखा देते हैं। इसमें 12 चैनल हैं, यहाँ पे देखिए 12 चैनल हैं, ये चैनल इसमें हैं। ये आप देख सकते हैं 58 रुपये में करीब 12 चैनल हमको मिल रहे हैं। अगर इसको हम अलग अलग करते ऐड तो यहाँ पे 80 से 100 रुपये बन जाते, क्योंकि स्टार स्पोर्ट हिंदी 22 रुपये है और लगभग 22 रुपये है। स्टार भारत जो है लगभग 10 से 12 रुपये के बीच में होता है और स्टार प्लस लगभग 17 से 18-20 रुपये के बीच में होता है, और स्टार गोल्ड भी लगभग 10 से 15 के बीच में होता है। बाकी चैनल भी 10, 5, 7 ऐसे होते हैं। तो ये करीब 80 से 100 रुपये बन जाते हैं अगर अलग अलग ऐड करते हैं। आप क्या करते हैं, फ़ोन करते हैं कस्टमर केयर वाले भी ये चैनल ऐड कर दिए, वो क्या करते हैं अलग अलग ऐड करते हैं, इसलिए आपका चैनल आपका जो पैक है वो महंगा हो जाता है, वो 300 रुपये करीब पहुँच जाता है। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं इसको कैसे ऐड करना होता है।
पहले तो हम इसको रिमूव करके दिखा देते हैं इसमें रिमूव कैसे करना। आप कोई भी चैनल आपने जो है पैक चुनने से पहले आपको जो पसंद नहीं है उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके चैनल में पहले से कोई ऐड है, यहाँ पे कोई ऐड ब्रॉडकास्टर बकेट कोई ऐड है, तो आप उसको पहले रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक करना है, सिंपली जो अमाउंट लिखी हुई है वहाँ पर क्लिक कर देना है। अमाउंट पर हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर देख सकते हैं रिमूव एक्टिवेट बकेट, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देना है और ये हमारे डीटीएच से हमारे से रिमूव हो जाएगा। अब हमारा पहले देख लिए, पहले का जो मंथली पैक था 224 रुपये का था, अब हम इसको रिमूव कर देते हैं तो 106 रुपये का बचता है, 166 का ही बचता है। अब हमको मतलब अगर इसको रिमूव कर देते हैं तो 166 रुपये पर मंथ देने पड़ेंगे। हम इसको कन्फर्म कर देते हैं और ये हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैसेज आ चुका है, थैंक यू चेंजिंग रिक्वेस्ट सक्सेसफुली। तो ये हम अभी रिमूव कर दें। अब हम कर लेते हैं इसको रिफ्रेश। तो हमने रिमूव वहाँ पे कर दिया, रिफ्रेश भी कर लिया, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पैक अभी उतना ही है। अभी ये उतना ही क्यों है, क्योंकि यहाँ कुछ समय लग जाता है, जैसे 1-2 मिनट लगेगा इसको जो है रिफ्रेश होने में। जो आपका अभी नया सेलेक्ट किए हैं उसको एक्टिवेट होने में 2-4 मिनट लग जाता है कभी कभी, तो लोग इससे घबरा जाते हैं कि यह तो होता ही नहीं, मैंने कम इसको बदला, ये हटा ही नहीं चैनल। हटता है, थोड़ा 2-4 मिनट वेट कर लीजिए। तो हम अभी वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर वेट करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो है 165 रुपये का रह गया पैक, मंथली पैक जो है कम हो चुका है हमने, क्योंकि चैनल वहाँ से रिमूव कर दिए। अब आपको हम बताते हैं इसमें आला कैटे से कैसे रिमूव करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप ऐड आला कैटे लिखा हुआ है, यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर रिमूव करना चाहते हैं सबसे पहले तो मैं यहाँ से रिमूव करके बताऊँगा, फिर ऐड करके आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है सिंपली, उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं व्यू आल पर क्लिक कर देना है। हमने जितने भी चैनल ऐड किए हुए हैं आला कैटे से, यहाँ पर सारे यहाँ पर सब दिखाई पड़ेंगे। तो मैं अभी यहाँ से रिमूव करने वाला हूँ चैनल, कोई भी रिमूव करके आपको सिर्फ दिखाना ही है। रिमूव करने के लिए आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे टिक कर देना है, यहाँ पर टिक कर देना है, जो जो आप रिमूव करना चाहते हैं यहाँ पर कर देना है। उसके बाद में नीचे आना है और रिमूव सिलेक्टेड पर क्लिक कर देना है। यहाँ रिमूव सिलेक्टेड पर क्लिक करने के बाद में आपका चैनल यहाँ से यहाँ कंफर्म कर देने पर रिमूव हो जाएगा। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता चल ही गया होगा। उसके बाद में अब आपको यहाँ पे ऐड करके हम दिखा देते हैं ऐड कैसे करना है। जो हमने अभी रिमूव किया यहाँ से ऐड ब्रॉडकास्टर बकेट से, इसको हम कैसे ऐड करेंगे आप। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले ऐड ब्रॉडकास्टर बकेट पर क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करने के बाद में अब आप कौन सा ऐड करना चाहते हैं यह आपको देखना है। आप सोनी का पैक ऐड करना चाहते हैं या स्टार का करना चाहते हैं या जी का करना चाहते हैं, तो मैंने अभी स्टार का करना है। तो यहाँ पे स्टार पर क्लिक कर देता हूँ, सिंपली स्टार 76 लिखा हुआ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कौन सा ऐड करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 64 में 17 चैनल यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर ये वाला आप ऐड करना चाहते हैं ये ऐड कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप करेंगे, अपनी लैंग्वेज के हिसाब से। तो हमने हिंदी वाला वही करना है ऐड, क्योंकि वो अच्छा, उसमें स्पोर्ट के चैनल भी हैं 4-5 क्रिकेट वाले और स्टार प्लस स्टार भारत वगैरह उसमें हैं। तो यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करके नीचे चले जाना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है, यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके नीचे चले जाना है। 3 डॉट पर क्लिक करते हैं, नीचे जाते हैं, आप यहां से कंपेयर कर सकते हैं आप कौन सा रखेंगे। तो आपको बता दें कि आपका कौन सा पैक है, कितने रुपए का, यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। आप कितने रुपए का भी रिचार्ज करवाते हैं, आपका पैक कितने का है, ये हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो यहां पर देख सकते हैं हमें ये वाला ऐड करना है,
स्टार हिंदी वैल्यू, इसमें 12 चैनल हैं। ऐड करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर सिंपली टिक कर देना है और यहाँ पे रिव्यू एंड बाय पर क्लिक कर देना है रेड बटन पर। रिव्यू एंड बाय पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं पहले हमारा 166 रुपये का था, अब 224 रुपये का हो जाएगा अगर इसको हम ऐड करते हैं तो इसको हम ऐड कर दें, कंफर्म कर देते हैं। यहाँ पे सक्सेसफुली दिखाई दे रहा है, आप रिफ्रेश कर देते हैं। हमने रिफ्रेश कर दिया है तो जैसे मैंने बताया था एक दो मिनट लग सकते हैं इसमें, तो अभी ऐड नहीं हुआ ये। अब आपको तीसरी चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यहाँ पे वैल्यू एडेड सर्विस पर नीचे आना है, वैल्यू एडेड सर्विस पर यहाँ पे क्लिक कर देना सर्विसेज पर। उसके बाद में यहाँ आप देख सकते हैं दो हैं, HD कस्टमर आइडेंटिफाई और एयरटेल फ्री चैनल। यहाँ पे जितने फ्री चैनल होते हैं वो फ्री वाले, यहाँ पे सर्विस लगा हुआ है हमारे फ्री चैनल ऑटोमेटिक इसमें ऐड हो जाए, वो सर्विस लगा हुआ है। और कस्टमर केयर का जो HD चैनल है वो हम तीसरी, यहाँ पे ये हो सकता है आपके यहाँ पर हमने रिमूव किया हुआ है, यहाँ पर कॉमेडी गली एक चैनल आता है एयरटेल वालों का है, उसका रेट करीब एक चैनल का 40 रुपये है, तो वो चैनल यहाँ पर होता है। अगर अब उसको आप रिमूव करना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं, तो आपका 40 रुपया बचेगा। तो रिमूव करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे वो चैनल लिखा होगा और यहाँ पे उसका रेट लिखा होगा, रेट पर आपको क्लिक करना है, वो रेड हो जाएगा और रेड होने के बाद में यहाँ पर रिमूव एक्टिव सर्विस पर क्लिक कर देना है और वो रिमूव हो जाएगा, इससे आपका करीब 40 रुपये बचने लगेगा। तो ये अभी थोड़ी देर में ऐड हो जाता है और हम आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ पर ऐड अलग रेट से अगर ऐड करना चाहते हैं चैनल, तो यहाँ पर ऐड अलग रेट पर क्लिक करना है सिंपली रेड बटन पर, और उसके बाद में आपको जो चैनल ऐड करना चाहते हैं जिस लैंग्वेज में वहाँ पर क्लिक कर देना है, जैसे हिंदी या हिंदी न्यूज या हिंदी मूवी, तो हम हिंदी न्यूज पर क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर सारे हिंदी न्यूज चैनल आ जाएंगे, उसके रेट लिखे होंगे यहाँ पर सामने जो फ्री होंगे, कुछ चैनल फ्री होते हैं तो उसके यहाँ पर फ्री है, लगभग ये लगभग 24 पैसे का है एक महीने का। तो आप यहाँ पर उसको ऐड करना चाहते हैं जिस चैनल को, वो ऐड कर सकते हैं। आप न्यूज का हो गया, मूवीज का हो गया, यहाँ पे मूवी पे जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी के रेट यहाँ पर लिखे हैं। ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर बॉक्स पर क्लिक कर देना, जो जो ऐड करना चाहते हैं उसे क्लिक करने के बाद में उसे बाय रिव्यू एंड बाय पर क्लिक करके उसे बाय कर सकते हैं, अपने चैनल में ऐड कर सकते हैं अपने DTH पैक में उसे। तो अभी हम ऐड नहीं करेंगे, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जितना पहले का पैक था वो उतना ही हो चुका है। यहाँ पे हमने सारे ऐड कर दिया, 290 चैनल हमारे इसमें आ चुके हैं, 290 चैनल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और शेयर कर दीजिए वीडियो को दोस्तों के साथ। थैंक यू, जय हिंद।